हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो एक कुआ पूजन पार्ट टू है। आई थिंक आप सभी ने पार्ट वन ज़रूर देखा होगा और खूब इंजॉय करा होगा। तो ये देखिए, आज कल वाला व्लॉग यहाँ से आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट टू करके। ये देखो, काशी वैन को रेडी कर रहे हैं पानी भर के लाने के लिए। देखो, ये सर पे पहले इस तरह से पोतड़ा उड़ाते हैं, उस पर स्वास्तिक बना के अच्छे से ऐसे सर पे रखा जाता है। फिर इसके ऊपर इंडी रखते हैं। अरे देखिए, इंडिया अब ये यहाँ पे घड़ा रख दिया। और देखो, घड़ा भी बहुत सुंदर था हमारी काशी बहन का। पूरा घड़ा जगमगा रहा था हमारी काशी बहन का। ये देखो, ये देखिए हम तीनों के लिए मालाएं लेके आए थे। बारी बारी हम तीनों को ये जतिन भैया ने मालाएं पहनाई। काशवी के साथ साथ फिर मैंने भी चेंज कर लिया था। पहले तो मेरा था कि मैं भी साड़ी बांध लूंगी, पर ठंड को देख के और बच्चे भी बीमार थे, फिर इसलिए फिर सूट ही पहन लिया। पर फिर भी मैंने स्वेटर नहीं पहनी। मैंने नहीं, मम्मी स्वेटर तो रहने दो, थोड़ी दूर की तो बात है, वो सिर्फ 2 मिनट का ही रास्ता था, मैं घर आके पहन लूंगी। और ये देखो, हार्दिक मेरे साथ साथ ही घूम रहा था। और इस चक्कर में मेरी चुन्नी मैंने ढंग से सेट ही नहीं करी, ऐसे पूरी लटकी पड़ी है इतने गंदे तरीके से। मैंने अभी वीडियो में देखी, उस टाइम ध्यान ही नहीं था ये चुन्नी भी इस ढंग से सेट कर लूँ। और देखो, हार्दिक पीछे मुड़ मुड़ के टॉफियाँ देख रहा था, क्योंकि जो भाभी आई थी वो वहाँ पर टॉफ़ी और ऐसे सिक्के डालते हैं, तो ये सारे बच्चे लेने लग रहे थे, तो ये भी देखने लगा टॉफ़ी। क्योंकि बच्चा है भाई, उसको तो नहीं पता, उसका भी मन करता है फिर टॉफ़ी लेने का, इसलिए वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था ये कौन क्या फेंक रहा है, क्या गिर रहा है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ जब पीलिया आता है तो फिर पीले कपड़े पहन के ही मतलब जल भर के लाते हैं मटके में। तो ये देखिए, काशवी की पीली साड़ी आई थी, पीले में घर से ही रेडी होके अपना ब्लाउज वगैरह सब सिल विल के आया था यहाँ पे, बस आके काशवी ने पहन ली थी। और बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही थी। और साड़ी में तो मतलब इंडियन लुक में साड़ी तो बहुत ही अच्छा लुक दे देती है लेडीज़ को ना। अभी बहुत मन था साड़ी पहनने का, फिर मैंने बस ऐसे ही कैंसिल ही कर दिया। देखिए, हमारे घर के पास ही ये नलका था, उधर से ही जल भर के ले आए थे। पहले के टाइम में तो होता था भाई, कुएं पे से जल लेके आते थे, इसलिए कुआ पूजन बोला जाता था। पर वही अब शहरों में क्या, गांव में भी इनफैक्ट अब नहीं रहे हैं कुएं वगैरह। तो फिर ये देखिए, पानी के नलके पे से जल भर के ले आते हैं। तो पहले नलका पूजन करते हैं इस तरह से, मम्मी सारी जिस तरह से होता है सारी चीज़ें बता के काशवी से यहाँ पे सारी जितनी भी रस्में वो करवा रही हैं। इतने में ये देखिए कपिल, क्योंकि देवरी पानी का मटका उठवाता है तो इसलिए हम सब के साथ आए थे। बोले मैं अकेला लड़का हूँ सारी लेडीज़ के साथ, इन्हें बहुत शर्म आ रही थी, पर भाई जो रस्में हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। ये जो आप देख रहे हैं, काशवी ने जो ये इंडी ले रखी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये काशवी की दादी जी, मेरी भी दादी जी ने स्पेशल बना के भेजी थी काशवी के लिए। उन्हें तो बहुत ही एजिड है, पर फिर भी ये चाव ऐसी चीज़ होती है ना, अपने आप हाथ चलने लगते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारी सुंदर इंडी बना के भेजी थी, तो फिर काशवी ने यही वाली इंडी ली। नहीं तो मार्केट से भी ला के भेज रखी थी, पर काशवी बोली कि नहीं, मैं तो यही वाली इंडी लूँगी, ये बहुत ही सुंदर लग रही है मेरे को। और वाकई में बहुत ही सुंदर इंडी बना के भेजी थी दादी जी ने।
ये देखो, काश भी बहुत संभल संभल के चल रही थी, क्योंकि अब मटका भर गया था। और भी आजकल तो कौन मटका में पानी भर के लाता है, तो हम लोगों को पता ही नहीं है, ना कोई आदत है किस तरह से चलते हैं। इसलिए ताई जी बहुत संभल संभल के कि बेटा धीरे धीरे चलो, ऊपर से हील वगैरह होती है, साड़ी पहनी हुई थी तो वही है, संभल संभल के चल रही थी काश भी एकदम, क्योंकि डर लगता है कहीं पानी छलक ना जाए। देखो यहाँ पे फिर जितनी भी औरतें आई हुई थी, सारी लेडीज़ जिनको भी हमने बुलाया था कुआं पूजने के लिए, तो फिर ये देखिए अब लास्ट में सभी की मान करी काशवी ने। और फिर जो पीले में टिफ़िन आते हैं हमारे यहाँ पे, टिफ़िन मतलब कोई भी बर्तन होता है, टिफ़िन तो नहीं बोल सकते, कोई भी बर्तन जो आता है उसमें फिर मीठा डाल के वो सभी को दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं पीले वालों के नाम के। तो ये देखिए काशवी ने फिर सभी की मान करी और सभी को टिफ़िन दिए थे, उसमें मीठा डाल डाल के। तो ये हमारे यहाँ तो भी ऐसे होता है, आपके वहाँ पे भी आई थिंक सबके वहीं पे बर्तन बांटे जाते हैं पीलिए में। तो ये देखो यहाँ पे काशवी को सारी लेडीज़ ने बहुत ही अच्छा अच्छा आशीर्वाद दिया, सभी ने खूब सारा इंजॉय किया, हमारा फंक्शन बहुत अच्छे से पूरा हो गया, सभी ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। तो गाइस ये देखो, मैंने आपको आई थिंक पूरा फंक्शन ही दिखाया है, मैंने कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो मेरे से रह गई हो। तो प्लीज़ गाइस, इन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज तो हमने हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का फेस भी दिखाया आपको, उन्हें भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप सभी। तो गाइज अभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम आगे लाते रहेंगे। और अब हम ट्राई करेंगे कि अब से हम रेगुलर बेसिस पे व्लॉग डालें, क्योंकि बीच में ऐसा ही, क्योंकि तीन छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं और तो इसलिए रेगुलरिटी बन नहीं पा रही है, बट अब हम ट्राई करेंगे कि फिर से हम लोग रेगुलरली व्लॉग और शॉर्ट वीडियोज़ डालें। सो गाइज चलिए फिर आगे मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, बस इसी तरह अपना प्यार हम पे बनाए रखें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार दें। और प्लीज़ गाइस ढेर सारे कमेंट और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। सो चलिए कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, बाय गाइस।